हे दोस्तों, अभी Realme की तरफ से आपको एक नया सीरीज देखने को मिलेगा, Q सीरीज। जैसे आपको Realme की तरफ से एक सीरीज मिलता है X2, X3, ऊपर से Realme की तरफ से आपको V सीरीज देखने को मिलता है, ठीक वैसे ही अभी आपको एकदम नया सीरीज मिलेगा Q सीरीज, जिनमें आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे बहुत ही पावरफुल स्पेक्स के साथ, और वो भी बहुत ही कम प्राइस रेंज में। तो सबसे पहले यहाँ पर एक स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन लीक हो चुका है जो आपको आने वाले Q सीरीज में देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज हमें कन्फर्म किया है डिजिटल चैट स्टेशन ने, जिस फोन के अंदर आपको 6.4 इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, साथ में यहां पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है कि Realme इस बार आपको एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है, और वो भी बहुत ही कम यानी कि बजट रेंज के अंदर। और साथ में यहां पर आपको एक फ्रंट में पंच होल देखने को मिलेगा फ्रंट सेल्फी कैमरे के लिए, और इस फोन में आपको एंड्रॉइड 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगा। और कैमरे के बारे में बात करें तो इस फोन के अंदर आपको पीछे क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, ठीक जैसे आपको पिछले बार V सीरीज में देखने को मिला था, यानी कि स्क्वायरी बॉक्स से कटआउट के अंदर आपको चार कैमरा मिल जाएगा, जहां पर आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लेंस, सेकंड में आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, थर्ड में आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, और लास्ट में आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिल जाएगा। और फ्रंट की बात करें तो यहां पर आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलेगा, और वो भी पंच होल के साथ। तो ये वही सेम स्पेक्स के साथ आपको देखने को मिलेगा जिस तरह से कुछ दिनों पहले आपको Realme के बजट स्मार्टफोन में देखने को मिला था। लेकिन ये जो स्मार्टफोन है ऑब्वियसली 5G को सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये जो सीरीज है सबसे पहले चाइना में लॉन्च होने वाला है, यानी कि ये जो Realme Q सीरीज है आपको सबसे पहले चाइना में देखने को मिलेगा 5G सपोर्ट के साथ, और उसके बाद ये फोन ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा इंडिया के अंदर, जिनमें शायद आपको 4G का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर जो प्रोसेसर होगा इनमें आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है 4G और 5G के बीच में। लेकिन इस सीरीज में आपको 6GB रैम, 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज और 256GB का इंटरनल स्टोरेज सपोर्ट मिल जाएगा। और बैटरी के बारे में बात करें तो इस Realme Q सीरीज के अंदर आपको 4200mAh या फिर 4500mAh का बिग बैटरी मिलेगा, साथ में 65 वाट का फास्ट चार्जिंग यानी कि 65 वाट का सुपर डार्ट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इस सीरीज में आपको मिल जाएगा। जी हाँ, तो ये बहुत ही ज्यादा ग्रेट न्यूज है, क्योंकि आपको पता होगा हाल ही में Realme 7 Pro के अंदर आपको यही स्पेक्स देखने को मिल जाता है, यानी कि आपको 65 वाट का सुपर डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, और वो भी बहुत ही अच्छे प्राइस रेंज के बीच में। तो मुझे लगता है कि ये जो स्मार्टफोन है यानी कि Q सीरीज का जो स्मार्टफोन होंगे इनके प्राइस आपको 15,000 के आसपास इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो मैं इस Realme के सीरीज के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं, और मुझे जहां तक लगता है कि इस फोन में आपको या तो Snapdragon का प्रोसेसर मिलेगा या फिर MediaTek का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं इस फोन में आपको कौन सा प्रोसेसर ऑफिशियली देखने को मिल जाता है, इसके बारे में मैं आपको आने वाले दिनों में अपडेट कर दूंगा। और ये जो सीरीज है ऑफिशियली लॉन्च होने जा रहा है 13 अक्टूबर को। जी हाँ, 13 अक्टूबर को ये ऑफिशियली सबसे पहले आपको चाइना में देखने को मिलेगा। तो देखते हैं इस फोन के अंदर और क्या क्या नया फीचर आपको देखने को मिल जाता है, और आपको Realme Q सीरीज के बारे में क्या लगता है आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।